चलते इलाके में आम जनजीवन ठप हो गया। गुवाहाटी में रॉ का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। ठगी और धोखाधड़ी से जुड़ा था फर्जी अधिकारी। फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार करने गया पुलिसकर्मी घायल। बहन सहित गिरफ्तार नीलिम दत्त नामक फर्जी अधिकारी। इस व्यक्ति को जरा गौर से देखिए, इसका नाम है नीलिम दत्त। रॉ अधिकारी के तौर पर अपना परिचय देकर यह शख्स गुवाहाटी महानगर के विभिन्न जाने माने होटलों में आश्रय लेकर धोखाधड़ी और ठगबाजी के कार्यों से जुड़ा था। एक पीड़ित की जुबानी सुनिए इसके कारनामे। नंबर 3 तारीख तलाशाला मारी अलग दिल्ली ले। के बाद ठगी के शिकार हुए महानगर के कई होटल प्रबंधन ने पहुँच कर मामला दायर किया। मालूम हो कि लंबे समय से महानगर के विभिन्न होटलों में आश्रय लेकर यह फर्जी अधिकारी बिना किराया अदा किए ही वहां से रफु चक्कर हो जाता था। बताते चले कि यह शख्स होटल प्रिया पैलेस का 48,000, होटल निवेदन का तकरीबन 6,00,000, होटल ग्रीन वैली का 58,000, मृणाल शर्मा नामक एक व्यक्ति को 2,00,000 रुपए किराया चुकाए बगैर ही वहां से फरार हो गया था। ठग नीलिम दत्त ने चेक के जरिए किराया अदा किया था, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में रुपए जमा थे ही नहीं। মানে ঘৰত তেওঁ আছিলে, এই ঘৰৰ মানুহে কৈছে কি তেওঁ নিজৰ চিনাকিটো ৰ বুলি মানে ৰ অফিচাৰ বুলি দিছিলে, আৰ ই ডব্লিউ অফিচাৰ বুলি। আমি এতিয়া সুধিলো ইয়াক, তেখেতে কৈছে কি মই আৰ ই ডব্লিউ অফিচাৰ বুলি দিয়া নাই, মই চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালিচিছ উইং অফিচাৰ বুলি দিলো। তেওঁ মানে তেনেকে কিবা এটা মানে চেম নামৰ কিবা নিজে নিজে অপেন কৰি ৰাখিছে নেকি, আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেট কৰি আছো। দিছ ইজ টু আৰ্লি টু চে ইন ডিটেইল। इस संदर्भ में दिसपुर पुलिस ने 420, 406 और 511 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन दिव्य के साथ अफनूर अली, प्राइम न्यूज़ गुवाहाटी।